दरबार भी चलाने के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मूर्खों का जमाना है। मूर्खों के जमाने में पांच चीजें सीख लो, दरबार चालू। मेहनत बहुत करते हो, सफलता नहीं मिलती है। जय हो गुरु। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर, और उसका ऐसा हकीकत आपको बताने वाले हैं जिसे देखकर आपके आंख खुले के खुले रह जाएंगे। जी हाँ, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का ये कहना है, जो अपने मुंह से खुद कहे हैं कि मैं मुसलमानों को विरोध नहीं करता, मैं मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, और उसका ये भी कहना है साथ में कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं। ये क्या बात करता है यार। और उसके बाद मैं आपको बता दूं साथ में कि ऐसा क्या हुआ है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी के बहन के साथ, मुसलमानों ने ऐसा क्या किया, इस विषय में भी वो बात किए हैं। तो मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी है। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। आपको बता दूं कि एक बाबा का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, ऐसा वीडियो है जिसे देखकर आपका आंख खुले का खुला रह जाएगा। जी हाँ, ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि साल भर पहले किसी को इनका नाम तक नहीं पता था, पर आज ये अपना दरबार सजाते हैं और इस दरबार और ये औरत काफी बुरा बुरा गाली दे रही है बागेश्वर धाम वाले बाबा को, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को गाली भी सुनना पड़ रहा है। तो इस सब विषय में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, काफी कुछ आपको सीखने और जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे बारे में ढूंढ कर बोल दिया बाबा, अगर बाबा है तो मैं। खुलकर सामने आ गई बाबा की कलाकारी, लोगों को धमका कर मनवाते हैं अपनी बात, नहीं माने पर सरेआम जलील करता है ये बाबा, महिला पुरुष और बच्चों तक को नहीं बख्शता, बड़े बड़े लोग झुकाते हैं इसके दरबार में माथा, उन्हीं के दम पर चलाता है अपना दरबार। बाबा का वीडियो सामने आया तो लोग लगाने लगे बाबा को जमकर फटकार। बोलो क्या प्रश्न है? बाबा जी, हमारे शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं चोरी। ये बाबा समाधान के नाम पर लोगों को बेइज्जत करने से भी बाज नहीं आते, लेकिन एक महिला ने इस बाबा की बोलती बंद कर दी। आपको बता दें कि महिला का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया दादा बाबा मां। अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही हूँ, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी मामा बाबा बहुत है, इनका भी कुछ दिन में लापता। दोस्तों, ऐसे तो कई बाबा आए और कई बाबा गए और कई बाबा जेल में सर रहे हैं, लेकिन आजकल एक मार्केट में नया बाबा आ गए हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि बागेश्वर धाम में अपना सिविल लगाते हैं, यानी कि अपना दरबार लगाते हैं। उस दरबार में इन्होंने काफी चमत्कारी वीडियो बनाए और काफी ऐसा चमत्कार किए हैं जिनके वजह से ये बाबा काफी सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सुर्खियों में ये इसलिए आए हैं कि यह हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जी हाँ, और इसी वजह से ये सुर्खियों में आ गए हैं। महज इस बाबा का उम्र है 26 साल, और महज 26 साल की उम्र में ये बहुत कुछ हासिल कर लिए हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर आजकल इतना मीडिया का फोकस क्यों है, मीडिया का नजर क्यों है, इनके ऊपर लोग इतना बात क्यों कर रहे हैं, इस विषय में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसके पीछे सबसे पहले वजह है हिंदू मुसलमान। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पे बात होता तो वो हिंदू मुसलमान। जी ठीक है समरिया। जी हाँ, और इसी के वजह से ये बाबा भी सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज से कुछ समय पहले जब ये एमपी गए थे, वहां एक दरबार लगने वाला था, वो 12 दिन का दरबार लगने वाला था, 12 दिन का कथन होने वाला था, लेकिन मैं 6 दिन में ये छोड़कर वहां से भागा है। बस ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति है जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि काला जादू और जादू टोना अंधविश्वासों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते, उनके खिलाफ वो आवाज उठाते। उस ऑर्गेनाइजेशन के अभी मुख्य सदस्य है, जो उनका चीफ है, उनका नाम है श्याम आनंद जी। वो इनको देखे कि जब एमपी आ रहे, इनका सवाल लगे वाला, वहाँ कथन होने वाला है, तो वो बहुत खुश हुए, इनका स्वागत भी किए। लेकिन जब उनको ये पता चला कि ये अपना चमत्कारी होने का दावा करता है और ये लोगों को अंधविश्वास की तरफ लेके जा रहा है, तब इनके खिलाफ वो FIR दर्ज करते हैं। ठीक है, FIR दर्ज करने के बाद प्रशासन को कहते हैं कि इनको अरेस्ट करिए, लेकिन प्रशासन ऐसा कोई खिलाफ सबूत न होने के कारण उनको छोड़ देते हैं। उनका जो FIR होता है वो वेस्ट हो जाता है। उसके बाद वो बाबा को चैलेंज करते हैं कि
अगर ये बाबा सच में अगर चमत्कारी है और ये सब कुछ ऑटोमेटिक पता लगा लेते हैं, जैसे कि वो अपने दरबार में चमत्कारी होने का दावा करते हैं और कुछ पहले लिख देते हैं, सब पता होता है उनका जो आने वाला होता है, तो उसी को देखते हुए ये एक चैलेंज देते हैं उनको कि अगर ये बाबा चमत्कारी है तो आप हमें बताइए एक रूम में 10 व्यक्ति है, वो 10 का मोबाइल नंबर, 10 का एज और 10 का नाम, मतलब 10 आदमी का नाम बता दीजिए या नहीं तो दूसरे वाले कमरे में 10 सामान का नाम बताना है और कौन सामान का क्या नाम है, बस ये 90% भी एक्यूरेसी के साथ बता देते हैं ये बाबा कि हाँ इस सामान का क्या नाम है, ये और ये व्यक्ति का क्या नाम है, एज और फोन नंबर क्या है, तो मैं इस बाबा को 30 लाख रुपया कैश गिफ्ट उपहार के तौर पे दूंगा, प्लस मैं ये अपना जो ऑर्गेनाइजेशन इसे भी बंद कर दूंगा। इतना बड़ा चैलेंज ये बाबा को देते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा के कानों तक जैसे ये बात जाता है, उसके बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा सीधा मोटी रोटी उठाकर बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं एमपी से। तो अगर ये बाबा होते तो चैलेंज एक्सेप्ट करते, तो इस पे अभी मुद्दा चल ही रहा है उन दोनों के बीच में, आप देखते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आपका क्या ओपिनियन इस बाबा के बारे में कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।